गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं फिर से अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसका वीडियो दे चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे हो। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये जो हमारा एपी दिया हुआ, ये हमारा क्या है, एपी है, ये 2 है, बॉक्स है, 26 है, तो इसमें मिसिंग टर्म क्या होगा ये खोजना। इसमें जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे क्या मिस कर रहा है वो खोजना है। देखिए क्या है, सो इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द बॉक्सेस, मतलब 2 के बाद यहाँ कुछ होगा, वो नंबर क्या है खोजना है, वो नंबर क्या होगा ताकि ये पूरा एपी बन जाए। तो ये 2 है, बॉक्स है, 26 है, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम है कि ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड, और ये थर्ड टर्म है। इसको मान लेते हैं, इसके देखें ऐसे मान लेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे देखिए, लेट 2 बॉक्स 26 आर, क्या होगा बोलो, आर A1 A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली। क्या क्या जरा ध्यान से देखेंगे, लेट 2 बॉक्स 26 आर A1, ये क्या है, A1 A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली। क्या क्या मान लिया इसको, A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली, ये आपको मान लेना होगा। जितना भी टर्म रहेगा, मान लो और भी कुछ रहता तो उसको मान लेते, A1, A2, A3, A4, A5 जितना तक जाएगा आप मान लीजिए, ठीक है, ये काम करना। तो लेट 2 बॉक्स 26 आर A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या करना, अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपको दिया हुआ हो रहेगा उसको लेके चलिएगा। तो देखिए क्या है, नाउ अब देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या माने हैं, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। तो क्या क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है और A3 दिया, तो आप A1 लेंगे, A1 कितना है, A1 देखिए 2 है, और A1 को ही हम लोग A बोलते हैं, A का वैल्यू हमारा 2 हो गया, ठीक। और A3 कितना दिया हुआ है, 26 एंड A3 26 दिया हुआ, और हम लोग जानते हैं, याद कीजिए हम पहले के क्लास में बताए थे, अगर A3 रहेगा तो लिखेंगे A+2D, यहाँ पे जो भी रहता उससे ये एक कम हो जाता है, ये हम बता चुके हैं। अगर 3 रहेगा तो यहाँ 2 होगा, अगर यहाँ A4 होगा तो यहाँ पे A+3D होगा, अगर A5 होगा A+4D होगा, ये चीज़ हम सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A3 है तो हम इसको लिखेंगे A+2D और ये हो गया 26, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू कितना है 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है देखिए A, तो A के जगह पे हमारा कितना 2, तो 2 रख देंगे, +2D इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब यहाँ पे 2D लिखेंगे तो 26 +2 इधर आएगा तो -2, ठीक। अब 2D इक्वल टू 26 में 2 माइनस कर देंगे तो 24 होगा, तो यहाँ से अगर हम D निकाल लेंगे तो होगा 24/2, अगर हम काट देंगे तो 12, तो D इक्वल टू आ गया 12, हमारा D का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये तो D का वैल्यू निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है कौन सा, मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म कौन सा है, A2, मतलब हमको A2 निकालना है। तब लास्ट में लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस मिसिंग टर्म्स आर, कौन कौन होगा मिसिंग टर्म, हैंस मिसिंग टर्म्स आर, तो यहाँ पे मिसिंग टर्म्स ने एक ही को, हैंस मिसिंग टर्म इज, हैंस मिसिंग टर्म इज, एक ही को मिस कर रहा है, तो कौन सा मिस कर रहा है, A2, तो यहाँ पे लिखेंगे A2, तो A2 इक्वल टू क्या बताए थे, ये क्या हो जाएगा, A+1D, मतलब D होगा, और A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू हमारा यहाँ देखिए, A का वैल्यू 2 है तो 2 हो गया, प्लस D का वैल्यू 12 है, मतलब ये हमारा 14, तो हमारा A2 जो हो गया ये 14, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये बहुत आसान था, ये आपको समझ में आ गया होगा, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है।
टू में क्या है, देखिए पहले ही यहाँ पे मिसिंग किया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मान लेना है, क्या बताया था, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, तो इसमें मान लेंगे लेट बॉक्स 13 आर, क्या क्या होगा बोलो, ए वन ए टू ए थ्री एंड एंड क्या हो जाएगा ए फोर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो बॉक्स है हमारा कौन कौन सा, ये है ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, आर ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर रिस्पेक्टिवली, इसको हम लोग मान लिए, इसको हम लोग क्या किए मान लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले तो ये काम बोले थे कि आपको मान लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है कि कौन कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए ये हमारा कौन सा था, ये हमारा ए वन है, ये हमारा ए टू है, ये हमारा ए थ्री है, ये हमारा ए फोर है, तो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ, ए टू दिया हुआ है, ए फोर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, ए टू दिया और ए फोर दिया, तो जो दिया हुआ उसी को लिखेंगे, तो नाउ नाउ ए टू, ए टू कितना है बोलो 13, और ए टू को कितना लिखेंगे, ए टू को कितना लिखेंगे, बोले थे ना ए प्लस डी जितना रहता है उसे यहाँ एक कम हो जाता है, एक डी कम हो जाता है, तो ये ए प्लस डी होता है, ये 13, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एंड और कौन सा टर्म दिया हुआ, ए फोर दिया हुआ, और कितना 3, तो ए फोर को लिखेंगे ए प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे क्या है, हम ऐसा कर रहे हैं, ये आप पढ़े थे कौन सा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पढ़े होंगे, हम यहाँ पे ए और डी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ए और डी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ए ए दोनों में तो बराबर है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से, ए हमारा कट जाएगा, यहाँ से हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या है, ए प्लस 3D है, माइनस इधर से हमारा ए प्लस डी हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इधर हमारा 3 है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में 3 है, इधर कितना 13, तो 3 - 13 हो जाएगा, अब ये हो गया ए प्लस 3D, और ये प्लस माइनस माइनस ए और प्लस माइनस माइनस डी इक्वल टू 3 में 13 माइनस कर दो, ये -10 हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल हो गया, तो 3D में डी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2D हो जाएगा, और इधर हमारा -10, तो डी इक्वल टू हो गया -10/2, तो 2 × 5 = 10, तो डी का वैल्यू -5 आ गया, डी इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। अब इस डी का वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो उससे हमारा क्या चीज का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है देखिए ए ए हो गया प्लस डी, डी के जगह पे कितना -5, तो -5 होगा इज इक्वल टू 13, तो ए -5 इक्वल टू 13, तो ए बराबर 13 + 5, तो ए बराबर 18, मतलब ए का जो वैल्यू हमारा आ गया वो 18 आ गया, ठीक है, तो ए हमारा निकल गया और हमारा डी भी निकल गया, ठीक। अब हम लोग को क्या निकाला, मिसिंग टर्म्स, तो मिसिंग टर्म्स कौन कौन सा, ए वन है और कौन सा ए थ्री है, तो लिखेंगे हैंस मिसिंग टर्म्स आर, तो कौन कौन मिसिंग क्या हुआ, ए वन जो कि किसके बराबर, ए के बराबर, और ये 18 आ गया, तो ए वन निकल गया, फिर हमारा कौन सा मिसिंग टर्म्स है, ए थ्री, और ए थ्री को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D, तो ए हमारा 18 हो गया प्लस 2 × D का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना है -5, ये -5 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, 18 में 10 घटा दो तो ये 8 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहो और सुरक्षित।